नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। मार्केट के महारथी में आज के मेहमान हैं सौरभ मुखर्जी, मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर एंड सीआईओ। सौरभ एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर हैं ईटी नाउ नेटवर्क पे, और इस बार सौरभ हमसे बातचीत कर रहे हैं एक अच्छे खासे गैप के बाद, क्योंकि वो एक ट्रिप लेने के लिए चले गए थे अपने क्लाइंट से और फ्रेंड से मिलने के लिए। पूरी दुनिया में वो घूम के आए हैं, तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेके आए हैं, वहाँ से बातचीत शुरू करते हैं। सौरभ, आपके पीछे से बहुत कुछ हो गया बाजार में यहाँ, लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जानना चाहूंगा कि आप कौन सी ज्योग्राफीज में गए थे, आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स से मिले, और खास तौर पे दुनिया में जो हो रहा है उसके बारे में क्या आप सुन के आए हैं रेट्स के मामले में, रिस्क के मामले में, फिर हम भारत पे आएंगे। लेकिन अजय जी, ज्यादा देशों में नहीं गया था मैं, सिर्फ यूके और नॉर्थ अमेरिका गया था। और दोनों ज्योग्राफीज में हमारे कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनसे मिला, और कुछ पोटेंशियली न्यू क्लाइंट्स, नए निवेशक हो सकते हैं, नए इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, उनसे मिला। तो इलेक्शन के पहले जानबूझ के गए थे, बिकॉज लोगों को समझाना चाहते थे कि इलेक्शन का आउटकम जो भी हो, इंडिया की इकोनॉमी की हालत अच्छी है, अच्छी कंपनीज, स्ट्रॉन्ग वेल रन कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ भी बरकरार रहेगी रिगार्डलेस ऑफ इलेक्शन आउटकम। बट एज इट हैपेंड, इलेक्शन आउटकम भी मेरे ख्याल से जैसे इलेक्शन आउटकम आया, उसके बाद भी जो फोन कॉल्स आए जिनसे मिलके आए, ब्रॉडली पॉइंट ऑफ व्यू निवेशकों का रहा कि अच्छा आउटकम है, इकोनॉमी अच्छी हालत में है, चाइना की इकोनॉमी और स्लिप हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। सो बोथ ड्यूरिंग द मीटिंग्स और इंडिया वापस आने के बाद, जो मेरे को लग रहा है कि भारी पैमाने पे विदेशी निवेश इंडिया की तरफ आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि वैल्यूएशंस पे एक कंसर्न है विदेशी निवेशकों का, एक डर है कि द इंडियन मार्केट, स्पेशली इंडियन स्मॉल कैप्स की वैल्यूएशंस उनको ऑप्टिकली स्टीप लग रही हैं। और इसी मुद्दे पे सबसे ज़्यादा बहस हुई ट्रिप पे, इसी मुद्दे पे जब शाम को वीडियो कॉल्स होते हैं निवेशकों के साथ, इसी मुद्दे पे ज़्यादातर टाइम निकल जाता है। बट आई थिंक दैट इज अ चैलेंज दैट वी कैन डील विद, वैल्यूएशंस का चैलेंज कुछ नया चैलेंज नहीं है हिंदुस्तान के लिए। इंडियन मार्केट हैज कंसिस्टेंटली बिन मोर एक्सपेंसिव देन द रेस्ट ऑफ एशिया, एंड येट हमारी देश की कंपाउंडिंग, हमारे मार्केट की कंपाउंडिंग दूसरे एशियन मार्केट से बेहतर रही है ओवर लास्ट 10 and 20 years। तो सिचुएशन अच्छी है, विदेशी निवेश आएंगे, उम्मीद है थोड़ा बहुत पैसा मार्सेलस को भी इन निवेशकों से मिलेगा। ये ऐसा क्या बदलाव आएगा, क्या सुपीरियर ग्रोथ उन्हें फोर्स करेगी विदेशी निवेशकों को यहाँ आने के लिए, या इंटरेस्ट रेट्स कटेंगे तो इमर्जिंग मार्केट तरफ पैसा जाएगा, वो ऐसे ट्रिगर्स क्या होंगे? क्योंकि हमने 1-1.5 साल से जो जबरदस्त सेलिंग देखी है FIIs की, वो तो कही है आप जैसी फर्म्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने बचा लिया, तब भी हम रिकॉर्ड हाई पे बैठे हैं, वरना बाजार कहीं का कहीं होता। लेकिन ट्रिगर क्या है, क्यों रिवर्स होगा पैसा इधर? मेरे ख्याल से तीन रीजन है अजय, दो रीजन तो आपने ही हाईलाइट कर दिए। इंक्रीजिंगली लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स का माहौल इम्प्रूव होगा, इंडिया में इन्फ्लेशन जैसे हमने देखा, यस्टरडे हमने देखा CPI इन्फ्लेशन 4.5% पे आ गई है, 1.5 साल पहले यही आंकड़ा कुछ 9% के आसपास था। दूसरी बात, US इन्फ्लेशन भी नीचे आ रही है, 3 के आसपास, इनफैक्ट फेडरल रिजर्व का जो चोजन मेट्रिक है वो तो 3 के नीचे चला गया है, और लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में फेडरल रिजर्व भी इलेक्शन के पहले एक रेट कट दिला देगी। सो इंटरेस्ट रेट्स का माहौल नीचे जाएगा, विच ऑलवेज हेल्प्स हाई क्वालिटी इंडियन इक्विटीज, राइट? जो कंपनीज लॉन्ग टर्म कैश फ्लो डिलीवर करते हैं, जाहिर है अगर आप इंटरेस्ट रेट घटा दो उस कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो वो एक ट्रिगर इमर्जिंग मार्केट्स के लिए जनरली अच्छा होगा, बट इंडिया के लिए स्पेसिफिकली अच्छा होगा, बिकॉज हमारे कंट्री में मोर देन चाइना, हमारे कंट्री में लॉन्ग टर्म कंपाउंडर ज़्यादा है। दूसरी जो ड्राइवर है, जो एक कंसर्न है कि सरकार कोलिशन गवर्नमेंट है, ग्रोथ बरकरार रहेगी या नहीं, आई थिंक 1-2 quarters में वो कंसर्न भी सुलझ जाएगी, वो भी एड्रेस हो जाएगी, ग्रोथ मेरे ख्याल से बरकरार रहेगी। आई एम प्रीटी श्योर कि जो बजट हम जुलाई में देखेंगे वो वाइल्स कंजम्पशन सेंट्रिक होगी, वो बजट ग्रोथ को प्रोत्साहन देगी, और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में मेरे ख्याल से कोई मीनिंगफुल डेंट आने वाली नहीं है, उससे भी विदेशी निवेशक को तसल्ली मिलेगी। आई थिंक द थर्ड फैक्टर इज, जो काफ़ी अनोखा सिचुएशन है कि इन अ मार्केट, अगर ओवरऑल मार्केट मल्टीपल, अगर आप निफ्टी का ओवरऑल मार्केट मल्टीपल लेके वो 22-23 के आसपास चला गया है, लेकिन जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स है, जिस प्रकार के स्टॉक्स में हम निवेश करते हैं, उनकी वैल्यूएशन 6-7 साल पहले जो थी, फॉरवर्ड पी पे ले, ईवी बिड्डा पे ले, प्राइस टू बुक पे ले, किसी भी मल्टीपल पे ले, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, डिवीज लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इस प्रकार के स्टॉक
हमारे पोर्टफोलियोज में होते हैं, उनकी वैल्यूएशन 6-7 साल के मुकाबले, 6-7 साल पहले के मुकाबले ज्यादा नहीं है. इनफैक्ट इन नेम्स लाइक HDFC बैंक, यू आर लुकिंग एट 2 डेकेड लोज ऑन ऑन वैल्यूएशन. तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हम निवेशकों को समझाते हैं कि आप ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन पे ज्यादा ध्यान ना दें, कंपनी स्पेसिफिक देखिए एंड स्पेसिफिकली उन कंपनीज पे फोकस करें जहां पे आपको दिख रही है कि इसकी कंपाउंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड सुपीरियर है, अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसके बावजूद आपको अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस में ये कंपनीज प्राप्त है. सौरभ, मुझे आपके हाइपोथेसिस पर संदेह नहीं है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि कहीं कहीं इसके अंदर ये रिस्क तो नहीं कि एक सेट ऑफ स्टॉक्स डीरेट हो रहे हैं कुछ रीजनों की वजह से, बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से. टेक्नोलॉजी अब एक ही कंपनी का मेन स्टे नहीं रह गया है, बहुत सारी कंपनी वही हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी लेंडिंग में इस्तेमाल कर रही हैं. पहले टाइटन एक कंपनी थी जो प्रिसिशन ज्वेलरी बना के बेचती थी, अब बहुत सारी. कहीं ऐसा तो नहीं है रिस्क हम इसमें लें कि ये सारी कंपनियों में एक स्ट्रक्चरल डीरेटिंग चल रही है और हम इनमें पोजीशन कर जाएं, तो क्या हम 3-4 साल कुछ समय के अंडर परफॉर्मेंस के में फंस सकते हैं क्या? क्या रिस्क तो नहीं? हाँ जी, तो देखिए डीरेटिंग का सिलसिला 2022 और 23 में बिल्कुल चला, लास्ट 12 महीने में वो डीरेटिंग रीरेटिंग बन गई है. एंड इसकी वजह है कि इस प्रकार का जो इस लेवल का इस स्तर का जो कंपाउंडर है उस स्तर पे परफॉर्म करना, 20-30-40% रिटर्न ऑन कैपिटल दिलाना, फिर उसको री इन्वेस्ट करके धंधे को हर वर्ष 20-25% से बढ़ाना, वो किसी भी सेक्टर में ज्यादातर कंपनीज के लिए पॉसिबल नहीं है. सो अगर मैं देखूँ January 2022 टू मार्च 2023, जबरदस्त डी रेटिंग हुई हमारे फ्लैगशिप पोर्टफोलियो की, मोस्ट कंसिस्टेंट कंपाउंडर जिसका नाम है. January 2022 टू मार्च 2023 हम 15 महीने में करीबन 14% नीचे गए, और उस दौरान मार्केट 1-2% ऊपर था. फिर मार्च 2023 से अगर हम देखें, वी केप्ट अप विद द निफ्टी, 24-25% की कंपाउंडिंग 14 महीने में आई है. एंड मोर स्पेसिफिकली अगर हम पी मल्टीपल्स की बात करें, अजय काफी लोगों को पी मल्टीपल्स लेके बहुत दिलचस्पी होती है, अगर हम पी मल्टीपल्स की बात करें तो लास्ट 2 महीने में री रेटिंग जबरदस्त रही है, एट अ टाइम वेन जो जो पीएसयू वाला पैक था, मेटल्स माइनिंग वाला पैक था, कंस्ट्रक्शन वाला पैक था, वहां पे थोड़ी बहुत डी रेटिंग शुरू हुई है और हमारी थोड़ी बहुत री रेटिंग शुरू हुई है. सो हर चीज इस ये रेटिंग के साइकिल्स वो तो चलते ही रहेंगे, री रेटिंग डी रेटिंग के साइकिल्स चलते रहेंगे, बट जो अंडरलाइंग मेट्रिक्स पे फोकस रखना है वो है रिटर्न ऑन कैपिटल. कितनी मोटी आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल आती है, एज आई सेड 25-30-35-40% रिटर्न ऑन कैपिटल आना बहुत मुश्किल काम है, और उसको अगर आप री इन्वेस्ट करके धंधे को, अर्निंग्स को, मुनाफे को 20-25% से बढ़ावा दे सको, जो हमारे इन्वेस्टिंग कंपनीज दे पाते हैं साल पे साल, दशक पे दशक, आप अर्निंग्स इंजन को 20-25% से भगा पाओ, तो फिर ये रेस आप ही जीतोगे, हमारे निवेशक निवेशी कंपनी ही जीतेंगे. और जो एज आई सेड सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रकार के, इस क्वालिटी के कंपाउंडर्स इंडिया पे 6-7 ईयर लोज पे प्राप्त है, इन सम केसेस 10 ईयर लोज पे प्राप्त है. सो किसी को अगर रेटिंग डी रेटिंग की चिंता है वो वाला रिस्क भी ऑफ द टेबल है. री रेटिंग मतलब पी उठने का साइकिल शुरू हो गया है. बहुत बढ़िया, बहुत मतलब एकदम आप सिक्लिकल लो पे ले रहे हैं, यहाँ से आर्गुमेंट खराब होने के चांसेस एकदम सही हैं, एकदम है ही नहीं मतलब. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पहले तो बाजार की चिंता थी क्या कंटिन्यूटी रहेगी, और उसी हमने उतार चढ़ाव देखा, बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव. चलिए वो भी चिंता समाप्त हो गई, प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आ गए. तब रहा कि पॉलिसी रिफॉर्म क्या होगा, वो भी 4-5 की मिनिस्ट्री उन्होंने रिटेन कर ली है. आपका रिफॉर्म डायरेक्शन पे क्या व्यू है? क्या रिफॉर्म उसी तेजी से चल पाएंगे? कोलिशन गवर्नमेंट में लोग सवाल उठा रहे हैं उनकी दृढ़ता का, कि क्या उसी मजबूती से रिफॉर्म प्रोसेस, शायद ये भी आपकी बातचीतों में आया होगा इन्वेस्टर्स की, क्या व्यू है? देखिए, एक जो चीज मैं काफी सालों से निवेशकों को बोलता हूँ कि ये रिफॉर्म का जो टैग है ये बहुत ही ओपन एंडेड टैग है. कुछ लोगों को लगता है कि अनलेस आपने लेबर लॉ पूरी तरह से बदल दिया फिर तो आप भैया को रिफॉर्म किया ही नहीं है, राइट? एंड उस प्रकार का रिफॉर्म किसी भी देश में ज्यादा ज्यादातर नहीं होता है. इन 150 150 करोड़ की आबादी के देश में आप फटाफट लेबर रिफॉर्म कर ही नहीं सकते, प्लस लेबर रिफॉर्म इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राइट? तो उस प्रकार का चीज ना तो पहले हुआ था ना ही मेरे ख्याल से अगले 5 साल में होने वाला है. जो हुआ है इंडिया में लास्ट 10 साल 20 साल में हुआ है, इंक्रीमेंटली सरकार की जो इंटरेक्शन इकोनॉमी के साथ इंप्रूव हुई है, जैसे हम देखें जीएसटी का जो टैक्स कलेक्शन का ढांचा है काफी स्मूथली चलता है,
टैक्स इवेजन घटी है, टैक्स कलेक्शन आर ग्रोइंग फास्टर देन जीडीपी। सिमिलरली जो पूरा यूपीआई का जो कॉन्स्ट्रक्ट है, डिजिटल जो कॉन्स्ट्रक्ट है, लोग जीरो कॉस्ट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द होल कंट्री, उससे बिजनेसेस को सुविधा प्राप्त हुई है। सिमिलरली अगर हम देखें, इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, आई थिंक स्विट्जरलैंड के साथ भी हो चुका है, यूके के साथ नेगोशिएशन चल रहा है। तो इस प्रकार के रिफॉर्म मेरे ख्याल से बरकरार रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और तीन एरियाज पे हमको काफ़ी उम्मीदें हैं। पहला है शिवराज सिंह चौहान जी आ गए हैं एग्रीकल्चर में, उन्होंने एमपी में ज़बरदस्त काम किया है एग्री रिफॉर्म में, फार्मर्स के लिए ईजियर बना दिया है मार्केट में अच्छे भाव पे माल बेचना। अगर वो उस प्रकार का चीज़ नेशनल लेवल पे कर पाए, मेरे ख्याल से एग्री सेक्टर को काफ़ी काफ़ी फायदा मिलेगा। दूसरा जो चीज़ लास्ट 2 साल में शायद थोड़ी त्रुटि रह गई थी, पीएम आवास, आयुष्मान भारत जैसे बढ़िया स्कीम्स में शायद खर्चा कुछ पैमाने पे थोड़ा कम हो गया था लास्ट 2 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा खर्चा हुआ था, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग पे शायद थोड़ा कम हुआ था। बेसिस व्हाट वी हैव हर्ड ओवर द लास्ट 7 डेज, लग रहा है कि एनडीए सरकार अब फिर से पीएम आवास पे खर्चा बढ़ाएगी, किसानों पे खर्चा बढ़ाएगी, हेल्थ केयर पे खर्चा बढ़ाएगी, उम्मीद है एडुकेशन पे भी, एडुकेशन और स्किलिंग पे भी खर्चा बढ़ाया जाएगा। ये काफ़ी अहम है मेरे ख्याल से, कंजम्पशन, जॉब्स, बॉटम ऑफ द पिरामिड लोगों के लिए ये काफ़ी पावरफुल बूस्ट रहेगा, और फ्रॉम ऑल ऑल साइंस आर इस तरफ एक रुझान रहेगा सरकार।